ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का नेशनल वॉइस में। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात बरेली की करेंगे। बरेली के सहजना गांव में शौच के लिए गई 3 बहनें लापता हो गई थी, जिसके बाद पुलिस को खबर दी गई कि पुलिस ने 3 बहनों का शव जंगल में नदी के किनारे से बरामद कर लिया है। बहनें कैसे गायब हुई अब तक ये साफ नहीं हो पाया है। हालांकि परिजनों ने मीरगंज थाने में FIR दर्ज करवाई थी। वहीं लापता किशोरियों के शव मिलने से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सहयोगी दीपक है हमारे साथ फोन लाइन पर। दीपक, 3 बहनों का शव मिला है, लापता हो गई थी ये 3 बहनें, क्या कुछ जानकारी मिल पाई इनके बारे में फिलहाल? रिशु बता दूंगा, ये परसों की घटना है। शाम को 3 बहनें सौंच के लिए खेत में जाती हैं। जाने के बाद काफी देर बाद जब ये लौट के वापस नहीं आती हैं तो परिवार वाले ढूंढने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आखिर काफी लंबे समय बीत गया, उसके बावजूद भी ये 3 बहनें नहीं आई हैं। जब ढूंढने की कोशिश की जाती है, आस पड़ोस में देखा जाता है तो ये बहनें गाँव में कहीं नहीं मिलती है, तो फिर परिजनों को उनके साथ अनहोनी की आशंका सताने लगती है। फिर वो तमाम अपनी बिरादरी के लोगों को लेके, गाँव के लोगों को लेके खेतों में और जहाँ वो सौंच के लिए गई थी वहाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर उन बहनों का कहीं पता नहीं। इत्तेफाक सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसी वक्त रात में पुलिस को सूचना दे दी जाती है, पुलिस सुबह गांव में पहुंचती है। जब काफी खोजबीन की जाती है तो लगभग करीब 12 बजे एक बहन की लाश उनको खेत के पास नदी के किनारे मिलती है। उसके बाद जब एक बहन की लाश मिलती है उसके ऊपर अभी देखा गया है, बताया गया है कि उसके ऊपर तेजाब पड़ा हुआ था, पहली बहन के ऊपर तेजाब था जिससे उसको जलाने की कोशिश की गई थी। फिर जब कई थानों SSP खुद मौके पहुंचकर कई थानों के पुलिस को बुलाकर कंबिंग कराते हैं, बाकी 2 बहनों की लाश को ढूंढने की कोशिश करते हैं या जानने की कोशिश करते हैं उनके साथ तो कोई अनहोनी नहीं हुई है, मगर शाम होते होते गोताखोर उन दोनों बहनों की लाशों को नदी के पास से अलग अलग जगह से बरामद करते हैं और शव को जब निकाल के देखा जाता है तो दोनों बहनों के ऊपर चेहरे पर तेजाब डाल दिया जाता है जिससे कि उनकी पहचान छिपाने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल दीपक, आपसे जानना चाहेंगे रहस्यमयी तरीके से ये 3 बहनें लापता हुई, उसके बाद 3 बहनों का शव बरामद हुआ है, यहाँ पर परिवार वालों का क्या कुछ कहना है और पुलिस किस एंगल से जांच कर रही है इस पूरे मामले को लेकर? अब देखिए, परिवार वालों से जब बात करने की कोशिश की तो परिवार वालों ने रंजिश की बात निकल कर सामने आई है। उन्होंने कहा कि उनका विवाद किसी गांव विनोद नाम के व्यक्ति से विवाद चल रहा था, काफी दिनों से विवाद चल रहा था, उन्हीं पर उनको शक है। यह तो परिवार वालों की आशंका है और उनको शक है, मगर पुलिस की तफ्तीश की बात करें तो पुलिस से जब रात कप्तान से बात करने की कोशिश की तो कप्तान ने बताया कि इसमें बिल्कुल साफ साफ एंगल निकल के आ रहा है कि रंजिश की बात है। हो भी सकता है कि रेप के बाद इन लोगों को गला दबा के हत्या की गई हो, पहचान छिपाने के लिए तेजाब उनके चेहरे पर डाला गया हो जिससे कि इनकी पहचान छिप जाए और मारकर इनकी बॉडियों को नदी में बहा दिया हो। फिलहाल सभी को इंतजार है, पूरी मीडिया को इंतजार है इतने बड़े घटना क्षेत्र की PM रिपोर्ट आने के बाद कि क्या वास्तव में इन बहनों के साथ बलात्कार हुआ है या नहीं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दीपक।